तो भाई पिछले काफी टाइम से मैं एक इंडस्ट्री के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, और वो है गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री आज के डेट पे ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से कि अलग अलग तरीके से जो इनकम है, इलीगल लीगल इनकम सोर्स है, वहां पे आ चुके हैं। और गेमिंग के जरिए लोग लाखों रुपए का जो अर्निंग है वो घर बैठे कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेके ऐसा एक इनकम सोर्स के बारे में बताऊंगा जो कि शायद ही आप लोगों को पता होगा, और इसी इनकम सोर्स से लोग जो है करोड़ों रुपया जो है वहां पे छाप रहे हैं इलीगल वे में। और आप अगर एक गेमर हो या आप अगर एक नॉर्मल व्यूअर्स हो तो एजुकेशन पर्पज के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि आपको ये जो शॉकिंग फैक्ट है गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में उसके बारे में पता चल सके। तो भाई सबसे पहले मैं आपको गेमिंग का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को बेटर तरीके से समझ सको। तो आप कोई भी ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो उसके लिए आपको एक आईडी क्रिएट करना पड़ता है, और उसी आईडी के जरिए आपका जो लेवल है वो ग्रो अप होता है। आप अपने आप को लॉग इन कर सकते हो उस गेम में, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जो आईडी होता है ना, उस आईडी में काफी सारे इक्विपमेंट आप बाय करके रखते हो, काफी सारा जो लेवल के साथ में जो भी सारे चीजें, जो भी सारे इक्विपमेंट, जो भी सारे गन्स वगैरह है या फिर कार वगैरह है, जो भी सारा आपका सिस्टम है उसी आईडी में रहता है। और वो जो गेमिंग आईडी होता है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल होता है, उसको बाय किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक है, इसके बारे में सभी लोगों को पता है कि जो गेमिंग आईडी है उसको अगर हम एक लेवल के ऊपर में पहुंचा सके तो उसको काफी अच्छी कीमत के ऊपर में हम किसी और को बेच सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो इनकम सोर्स है, यहाँ पे जो स्कैम है वो इसी पॉइंट के ऊपर में होता है, और इसके लिए बकायदा काफी सारा जो एजेंसियां हैं वो आज के डेट पे खड़े हो चुके हैं। ये जो काम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो। तो देखो, हर एक एरिया में ना काफी सारे ऐसे यूथ आपको मिल जाएंगे, काफी सारे ऐसे स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो मिल जाएंगे जो कि गेम काफी ज्यादा खेलते हैं और गेम में काफी ज्यादा डूबे हुए रहते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट गेमिंग आपको हर एक जगह के ऊपर में देखने को मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में जो एजेंसियां हैं वो क्या करते हैं, अपने पास में काफी सारा जो गेमिंग कंप्यूटर्स है उसको खरीद लेते हैं, अपना खुद का एक छोटा सा ऑफिस वगैरह कहीं पे अंडरग्राउंड किसी जगह के ऊपर में, किसी के छत के ऊपर में, कहीं पे भी ऐसे जगह पे जहां पे कि थोड़ा सा लोगों का आना जाना डिस्टेंस ना हो सके, उस टाइप के किसी जगह के ऊपर में जो एजेंसियां हैं अपना ऑफिस खोल लेते हैं, उसमें गेमिंग कंप्यूटर रख लेते हैं, और उसी गेमिंग कंप्यूटर में जो यूथ है उनको बुला के गेम खिलाया जाता है, ठीक है। गेम खेलने के लिए उनको वो बोला जाता है, और गेम खेलने के ऊपर में उनको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप जो है जॉब कर सकते हो, गेम खेलने का आप जॉब कर सकते हो। वो जो जॉब है वो चलेगा आपका 8 से 12 चलेगा, 12 से 4 चलेगा, 4 से 10 चलेगा, इस तरीके का अलग अलग शिफ्ट होता है वहाँ पे बाकायदा। यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है या फिर किसी भी कॉल सेंटर में ड्यूटी होता है, ठीक उसी तरीके से गेम खेलने का भी जो ड्यूटी है, जो जॉब है, वो आज के डेट पे आ चुके हैं, ठीक है। और काफी सारे जो यूथ है ना वो इसमें फंस रहे हैं, इसमें पैसा भी कमा रहे हैं। ये जो सारा काम है ना, इसमें अगर आप नॉर्मल सा एक यूथ को देखोगे तो जो गेम काफी ज्यादा खेल रहा है उसके पास में कोई मोटिव नहीं है, उसके पास में कोई काम नहीं है, उसके पास में अपना खर्चा को फुलफिल करने के लिए कोई इनकम सोर्स नहीं है, उन लोगों को ये जो एजेंसियां हैं ये टारगेट करते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं। उन लोगों को कहा जाता है कि आपको घर देंगे, खाने के लिए देंगे, बस आपको जो है हमारे लिए गेम खेलना है, ठीक है। अगर मान के चलो ये सारा चीज अगर एक अच्छा गेमर्स को जाए तो वो क्यों नहीं जाएगा भाई, वो उनके पास में चले जाते हैं, वो लोग उनसे गेम खिला के, मतलब उनको गेम खेलने के लिए दिया जाता है, और वहां पे उनका जो आईडी है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस आईडी को जो है ग्रो अप करते हैं, और उसी आईडी को इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में सेल्स करते हैं। जो गेमर्स है उसको सैलरी मिलता है, जो एजेंसियां है वो आईडी को अलग अलग मार्केट के ऊपर में सेल करता है, और इससे सभी लोगों का फायदा है। जिससे जो गेम खेल रहा है, जो यूथ गेम खेल रहा है उसको सैलरी मिल रहा है, जो एजेंसी है वो उसको सेल करके पैसा कमा रहा है। और ये जो एजेंसियां होते हैं ये प्रॉपर एस्टेब्लिश एजेंसियां नहीं होते हैं, ये इलीगल वे में ये सारा काम को करते हैं। तो इन केस अगर कभी भी रेट पड़ता है या फिर कोई भी केस वगैरह होता है तो जो गेम खेल रहे हैं, जो भी यूथ, जो भी बच्चा है वहां पे गेम खेल रहा है, उसको जो है उसके ऊपर में कार्रवाई हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे चीजें तो एक पॉइंट देखने वाली बात है, बट यहाँ पे इस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री आज के डेट पे काम कर रहा है और काफी सारा जो पैसा है वो कमा रहा है।
और आप ये सोचते हो कि इस तरीके का एजेंसी के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, तो आप समझ लेना कि आप अपना जो करियर है, अपना जो लाइफ है, उसको रिस्क में डाल रहे हो कुछ पैसों के लिए, और ये सारी चीजें हैं। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सब वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।